अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, वैसे भी सर्दियाँ हैं तो धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है बर्ड्स को सारे। और अंडे के शेल पड़े हुए, ये मेरे ख्याल से पुराने ही है क्योंकि बाकी तो अभी और किसी ने अंडे नहीं दिए थे कि जो बच्चे निकलेंगे। ब्लैक वाली ने हाँ दिए, मैं उसके चेक कर लेते आज। तो आज मैंने सारे मतलब बर्ड्स के केजेस की सफाई करनी है, जो मैंने कल करनी थी और टाइम नहीं मिला तो आज मैंने करनी है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मैंने सफाई कर दी है और सारा जो कचरा था वो मैंने यहाँ इकट्ठा कर दिया, तो इसको उठा लेंगे। उसके बाद इधर अंदर की सफाई भी कर देंगे। फिंच का कवर मैंने हटाया हुआ है, फीमेल फिंच बैठी हुई है, अभी मेल बाहर है। मिट्टू को भी ऊपर ले आए हो और रिंग नेक भी ऊपर है। आज मिट्टू का केज भी साफ करेंगे, काफ़ी ज़्यादा गंद है। और इनको खाना डाल के फिर अंदर शिफ्ट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। तो झाड़ू ये भी पड़ा हुआ है, अभी ये सारा एरिया रहता है, पिजन्स का केज रहता है, उसके बाद हमारे ये कॉलोनी रहती है, सारे पैरट्स नीचे उतरे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि जो बाहर वाला एरिया ये साफ़ करूँगा, उसके बाद फिर केजेस की सफाई करते हैं। तो वो एरिया तो वैसे भी साफ़ हो चुका है, तो अब मैं जल्दी से ये सारा एरिया साफ़ करता हूँ, उसके बाद फिर बर्ड्स को खोलेंगे और फिर उनके केज साफ़ करेंगे और चेक भी करेंगे कि ब्लैक वाले ने बच्चे निकाले हैं कि नहीं। तो जल्दी से काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इस एरिया की भी मैंने सारी सफाई कर दी है, पूरी मतलब जो छत है वो साफ़ हो चुकी है, देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है। सारा कचरा एक इस कॉर्नर पे इकट्ठा मैंने कर दिया और एक उस कॉर्नर पे इकट्ठा कर दिया। तो अभी ऐसा करते हैं कि जो कॉर्नर वाला कूड़ा है, ये जो कचरा वगैरह, ये सारा मैं इकट्ठा करके शॉपर में डाल देता हूँ स्क्रैपर के साथ। और उसके बाद फिर हम करते हैं पिजन्स को खोल देते हैं और फिर कॉलोनी साफ़ करते हैं। सारे पैरट्स नीचे उतरे हुए खाना खाने के लिए, पर खाना मैंने इनको डाला हुआ नहीं है। और मेरे ख्याल से नेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है फिंच की, वो देखें, सॉरी डव की। वो घास थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो उन्हें डालना शुरू कर दिया, जल्दी अंडे दे देंगी वो। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से काम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, पहले भी सारे परिंदे इंतज़ार करें खाने का। तो पिजन्स को मैंने खोल दिया, सारे पिजन्स बाहर आ चुके हैं और मेरे ख्याल से कुछ इधर भी घुसे हुए होंगे। ये पेयर इधर है टेढ़ी हमारा, तो सारे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, इनको मैं खाना डालता हूँ सबसे पहले। और ये लड़ाई कर रहे हैं मेल और फीमेल पैरेट। खाना मैं इनको डालता हूँ थोड़ा सा, खाना भी इनका ख़त्म है, मैं बाजरा लेके आया था तो फिल करते हैं डब्बे में। तो पिजन्स को खाना मैंने डाल दिया, ये वाला पेयर भी बाहर आ चुका है। तो अब मैं जल्दी से कॉलोनी साफ़ करता हूँ, पैरेट्स इंतज़ार कर रहे हैं, आज इनके पॉट भी धोने, तो अब ये काम स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। तो अंदर मैं जाने लगा, शॉपर और स्क्रैपर मेरे हाथ में, वो भी अंदर रख लेते हैं और अंदर चलते हैं और सफाई शुरू करते हैं। जब तक पिजन्स वगैरह खाना खा रहे फिर उनका जाके साफ़ कर देंगे। तो अंदर मैं आ चुका हूँ और ये काफ़ी शोर डाल रहे हैं देख के, कुछ भी नहीं हुआ, सबर सबर। तो ये शोर करना शुरू हो चुके हैं तो मैं जल्दी से सफाई करता हूँ और बाहर चलते हैं। फिर कॉलोनी की सफाई तो मैंने कर दिया पर कचरा इतना ज़्यादा था, एक शॉपर तो भर चुका है, अब दूसरा लाना पड़ेगा मुझे। और नेस्ट मैंने उठा के थोड़ा सा ऊपर रख दिए, बाकी मैंने सारा साफ़ कर दिया। तो अब चलते हैं दूसरा शॉपर लेके आते हैं और उसको सारे शॉपर में डाल के फिर इनको खाना डालते हैं, खाने का टाइम हो गया इनके। कॉलोनी की सफाई हो चुकी है, खाना भी मैंने बर्ड्स को डाल दिया है, अभी ये सारे ऊपर ही बैठे हैं। इनके पानी के पॉट्स जो हैं वो दोनों बाहर पड़े हुए हैं, तो उनको भी धोना है और इनको ताज़ा पानी डालना है। और बर्ड्स नीचे उतरना शुरू हो चुके हैं, डव मेल डव नीचे आ गए खाना खाने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता सारे आ जाएंगे, फीमेल डव भी आ गई है। तो अब बारी है पिजन केज की, तो उधर चलते हैं उनकी कॉलोनी साफ़ करते हैं। तो डव्स और बेबी डव्स तीनों नीचे उतर आए हैं, पैरट्स भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आए हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट अपना कर रहे हैं। और फिर जल्दी से मैं पिजन केज की सफाई करता हूँ, इनको पानी भी डालता हूँ क्योंकि खाना खाने के बाद ये पानी पियेंगे। तो अब चलते हैं उस साइड पर, काम स्टार्ट कर देते हैं कॉलोनी का पिजन की। तो एक खाली शॉपर और मैं ले आए हूँ, तो अब चलते हैं कॉलोनी में अंदर। सर मैं आ चुका हूँ लक्का पेयर और सारे थोड़े थोड़े पिजन्स अभी अंदर बैठे हुए हैं, तो इन सबको भी बाहर निकालते हैं। ये ब्लैक वाले के अंडे पड़े हुए हैं, ये दो नए बेबीज़ हैं, दो ये नए बेबीज़ हैं हमारे, बाकी माशाल्लाह से इस पिजन ने फिर अंडा दे दिया वाइट वाला जो, और ये भी दोबारा देने वाला है, वो पेयर भी देने वाला है। तो अब जल्दी से काम स्टार्ट कर देते हैं। और हवा चलना शुरू हो चुकी है और कॉलोनी की मैंने सफाई कर दी है, पानी भी मैंने इनको डाल दिया है, ये देखिए। और ब्लैक वाले जो हमारी फीमेल थी, एक तो ये ब्लैक पेयर है ना, ये जो इनकी मदर थी ब्लैक फीमेल, इसके जब मैंने अंडे चेक किए तो वो फिर से इनफर्टाइल थे,
तो इसका तो मुझे पता है ये तो ठीक है, तो मेल इसका लगता है ठीक नहीं है, तो वो मैंने अलग कर दिया आज, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब जो हमारा पर्पल रिंग वाला जो मेल अकेला था जिसकी फीमेल चली गई थी, तो अब इसका पेयर हम उसके साथ लगा देंगे। और ये बेबी चेक करें, इसने भी काफ़ी गंद किया हुआ है, अगर ये गीला है तो हम इसका ये चेंज कर देते हैं और नया घास थोड़ा सा डाल देते हैं। इधर बाहर आ चुका हूँ, आप जल्दी से पैरेट्स के ये पॉट धोते हैं और उनको पानी डालते हैं। पॉट्स मैंने दोनों धो के रख दिए, अजान भी हो रही है तो पानी में भर रहा हूँ, तो जल्दी से डाल देते हैं इनको। इस मेल की बात करूँ, ये मेल है, इसका पेयर अब हम ब्लैक के साथ लगा देंगे, ये खुद ही लगा लेगा क्योंकि इसलिए हमने उसका मेल अलग किया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला है। पॉट्स धो के मैंने पानी भी इनको ताज़ा डाल दिया, खाना भी डाल चुका है, सफाई भी हो चुकी है और पिजन का काम भी कम्प्लीट हो चुका है सारा। ये वाला मेल है, ये हमने अलग कर दिया, ये बैठा हुआ है तो ये बहुत अच्छा, पर चार दफ़ा हो चुका है अब, तो अब इसको सेल करना पड़ेगा। ये हमारे घर का पक्का भी है, उड़ता भी रहा है काफ़ी दफ़ा, काफ़ी अच्छा भी उड़ता है। येलो कलर के रिंग डाले हुए थे हमने, तो इसके पाँव सब मैंने उतार दिए क्योंकि अब ये सेल करना है। तो इसके लिए हम पानी का बर्तन इधर रख देते हैं और दाना रख देते हैं, कुछ दिन तो ये हमारे पास रहेगा, जब चक्कर लगा मार्केट में तो तब इसको ले जाएंगे साथ। और पैरेट्स को मैंने खाना डाल दिया, पानी भी डाल दिया और मिट्टू का केज भी साफ़ कर दिया, तो इनको अंदर शिफ्ट कर दिया मैंने। फिंच को बंद कर देते हैं अब ताकि आराम से बैठे रहे, इनका भी मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया, चेक करेंगे इनका। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग एंड करते हैं, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।